आज मैं बात करूंगा डन बेस पे। डन बेस वीजा है, अगर आपका वीजा लगता है तो आपने पैसे देने, अगर वीजा नहीं लगता तो आपने कोई पैसे नहीं देने। डन बेस यूरोप का वीजा आपने लेना है तो आप मेरे पास आओ, आपको डन बेस मिलेगा। अगर आपने डन बेस यूएसए का वीजा लेना है तो आप मेरे पास आओ। गाइज ये आजकल मैं बहुत जगह पे देख रहा हूँ, दुबई में और भी काफी जगह में ऐसी बातें चल रही हैं। इनका बाप जो है ना वो एम्बेसी में लगा हुआ है, सही है, और उनका यूरोप या यूएसए को वो खुद नहीं चला रहे, ये लोग चला रहे हैं। ये इनका कहने का ये मकसद है। किसी भी कंट्री का डन बेस वीजा नहीं होता, वो एम्बेसडर के ऊपर होता है, कॉन्सुलेट के ऊपर होता है कि आपको वीजा देते हैं या नहीं। आपके साथ ये बहुत बड़ी प्लानिंग करके, गेम करके झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो इन लोगों से बचो। मैं सबको ये एडवाइज करता हूं, मेरे भाई प्रॉपर अपनी फाइल बनाएं, बैंक स्टेटमेंट अपनी मैनेज करें, खुद अप्लाई करें, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट के पास मत जाएं अभी डन बेस के। जैसे आप डन बेस का कहोगे वो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करेंगे। आप लोगों को नहीं पता कितने मुझे लोग कह रहे हैं जी कि हमारे साथ इतना फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ इतना फ्रॉड हुआ है। तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से, तो प्लीज ऐसा मत करें। आप सिर्फ अपने प्रॉपर एक लीगल तरीके से अपनी फाइल बनाएं और खुद अप्लाई करें।